गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले जितने प्रोविजंस थे आपके सेट ऑफ के एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के, उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे पहले बताया था, जब भी हमें GTI कैलकुलेट करना होगा तो हम इनकम का सिक्वेंस के अकॉर्डिंग है इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें पहले सैलरी गिवन है तो पहले हम सैलरी वाला हेड करेंगे, फिर इसके बाद आपका हाउस प्रॉपर्टी का इस क्वेश्चन में कोई पॉइंट्स नहीं गिवन है, उसको स्किप कर देंगे। देन इनकम फ्रॉम बिजनेस के पॉइंट्स देख लेंगे। पॉइंट नंबर ई में आपका रिलेटेड टू इनकम फ्रॉम बिजनेस है, पॉइंट नंबर एफ आपका रिलेटेड टू इनकम फ्रॉम बिजनेस है, पॉइंट नंबर जी आपका रिलेटेड टू इनकम फ्रॉम बिजनेस है। तो जितने पॉइंट्स आपके बिजनेस के होंगे पहले उसको हम कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके बाद कैपिटल गेन का अगर पॉइंट्स होगा उसको शो किया जाएगा, और आफ्टर दिस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो सबसे पहले सैलरी गिवन है 2,04,000, तो सैलरी शो करेंगे, और सैलरी में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाता है, तो उसको माइनस करने के बाद टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी 1,54,000। उसके बाद बिजनेस इनकम में आपका एजेंसी का प्रॉफिट गिवन था 2,10,000, स्पेकुलेशन प्रॉफिट गिवन था, स्पेकुलेशन लॉस था, स्पेकुलेशन लॉस को आप स्पेकुलेशन प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो स्पेकुलेशन प्रॉफिट था आपका 5,000 और स्पेकुलेशन लॉस था आपका 10,000, तो 5,000 तो सेट ऑफ हो जाएगा करेंट ईयर में, और 5,000 को कैरी फॉरवर्ड करना होगा, तो इसको हम इनरी कॉलम में शो करेंगे, आउटर कॉलम में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ये अदर इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। स्पेकुलेशन लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन प्रॉफिट से ही सेट ऑफ हो सकता है, तो स्पेकुलेशन लॉस को हमने कैरी फॉरवर्ड किया 5,000 रुपीज़। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपका डिविडेंड फ्रॉम UTI आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट आ जाएगा, फर्स्ट प्राइज़ इन दिल्ली स्टेट लॉटरी आ जाएगा, गेन फ्रॉम प्लेइंग रमी आ जाएगा, और लॉस को हम एडजस्ट नहीं कर सकते, लॉस कैरी फॉरवर्ड ना तो कैरी फॉरवर्ड होगा और ना ही सेट ऑफ होगा, तो लॉस को हमें एडजस्ट नहीं करना है, लॉस को हम मेंशन भी नहीं करेंगे, और जो एक्सपेंसेस है आपका हुआ है हॉर्स रेस पे उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, मीन सेट ऑफ कर सकते हैं, बट रेस हॉर्स की ही इनकम होनी चाहिए, तो इस क्वेश्चन में इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप शो करेंगे डिविडेंड फ्रॉम यूनिट्स ऑफ UTI, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, इंटरेस्ट ऑन FD फ्रॉम PNB, लॉटरी, गेन फ्रॉम रमी, और लॉस को हमें मेंशन नहीं करना है, और एक्सपेंसेस ऑन मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्स को हमें कैरी फॉरवर्ड करना है, क्योंकि करंट ईयर में ये सेट ऑफ नहीं हो पा रही है, और आफ्टर दिस आपको GTI कैलकुलेट कर लेना है, मीन्स सैलरी की इनकम आ जाएगी, बिजनेस इनकम 2,10,000 आ जाएगी, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 1,14,200, देन योर GTI इज 4,78,200। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो इसके प्रीवियस वीडियोज़ हैं सेट ऑफ ऑफ लॉसेस के एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के, उसके क्या रूल्स हैं, क्या प्रोविजंस हैं, पहले आप उसको अच्छे से देख लीजिए और फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, तो आपके और अच्छे से क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।